हमारी नाल बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो ये देख लो। सो हे गाइज, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हैं CHOP के व्लॉग्स। तो गाइज, कल ना हम अपनी पोटास वाली नाल बना नहीं पाए थे, तो गाइज आज हम बनाने वाले हैं अपनी पोटास वाली गन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गंधक पोटास की जो गन होगी ना, कैसे बनेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ही कोशिश कर रहे हैं भाई। देखो 100-200 रुपए लग सकते हैं, बाकी मैं सोच रहा हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे ही बन जाए। मेरे पास ना दो आइडिया है, घर पे भी बन सकती है, उसमें तो ज्यादा ज्यादा 20-30 रुपए लगेंगे, बट अगर बाहर बनवाते हैं उसमें 100 रुपए लग सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो गाइस वो देखने वाले हैं क्या प्रोसेस रहेगा, लेकिन उससे पहले मैं जा रहा हूँ श्वेता को लेके एक बार उसका बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए। चलो तो अब चलते हैं। यहाँ का जो काम था वो तो हो गया है, बट अभी ये देख लो व्यू को, अपने आप ही लगानी है स्कूटी में चाबी। लाओ मैं ये दे दो, मैं लगा दूंगा। चलो पीछे हो जाओ, अब पापा चलाएंगे। अरे पापा चलाएंगे भाई, तू इतना बड़ा ना हुआ अभी, वो बेटे हट जा पीछे। गाइस अभी हम जा रहे हैं भाई पोटास गन बनवाने के लिए, उसके लिए हमने यहाँ पे पाइप भी ले लिया है, कुछ सरिया ले लिया है, तो हम अभी बनवा के आएंगे 3 पोटास गन। और गाइस आज हम ये भी ट्राई करने वाले हैं कि कितनी मजबूत होती है ये पोटास गन। हम ना जितनी मजबूत हम बनवा सकते हैं ना उतनी मजबूत बनवाएंगे, और उसके बाद आके इसको ट्राई भी करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, देखेंगे कि ये फटेगी नहीं फटेगी। इसके अंदर फुल पोटास भर देंगे ऊपर तक अड़ा के, और फिर देखेंगे पटका के, अगर ये फट गई तो फिर लोकल। उसके बाद मैं आप लोगों को फ्री वाली पोटास गन बनाने भी बता दूंगा कैसे बनेगी, बिल्कुल फ्री बनेगी। चलो अभी हमको ना बिल्कुल सेफ तरीके से जाना है दुकान पे भी, क्योंकि रास्ते में अगर पुलिस मिल गई हो सकता है हमें पुलिस पकड़ ले, क्योंकि ये भी तो एक गन है और गन तो अलाउ नहीं है ना इंडिया में। क्या सोच है रे तेरी यार, इतनी मुश्किल से तो लेके आए थे नाल यहाँ पे, अब यहाँ लाइट नहीं आ रही, पोपट हो गया यार। कितने बजे आएगी लाइट? 6 बजे। यार 6 बजे का इंतजार करते हैं, 3 घंटे हैं अभी तो बाकी। सारा सामान अभी अंकल की दुकान में रख दिया है, तो अभी जा रहे हैं भाई घर पे, कुछ नहीं कर सकते, 3 घंटे फ्री रहना पड़ता है यहाँ पे। अभी तक हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ, दिल बहुत सैड सैड सा हो रहा है। अभी श्वेता ने बना दिया भाई गर्मा गर्म टेस्टी सी मैगी, देखने में टेस्टी लग रही है। आज ना पूरे दिन से मैंने घर का कुछ नहीं खाया है, बाहर का खाया बस 2 समोसे। मैं खाऊं पहले? ओए गर्म है, गिर जाएगी, रख दे अभी खाएंगे थोड़ी देर में। 5 बज गए हैं, तो पीकू को घुमाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फिर हमें 6 बजे भाई वहां जाना है अपनी नाल बनवाने के लिए। तीनों जा रहे हैं हम। व्यू को भी पता लग गया है कि अगर मैं डला फेंकता हूँ तो पीकू भाग के पकड़े। ओ ये देख लो गाइस, अभी ये ले रहे हैं भाई, कौन सी वाली बंदूक है, पटाखे वाली? माचिस की तिल्ली वाली है, नया आविष्कार हो गया यार ये तो, माचिस की तिल्ली से चलने वाली दूक भाई, पूरी तगड़ी पटके यार ये तो। क्या है इसके अंदर ऐसा, इसमें तो बम लाने की जरूरत ही ना है, घर में जितनी भी माचिस होगी सब फूंक दूंगी, फूंक दूंगे। क्या साइकिल पे बैठना? गाइस अभी रात हो गई भाई, हम जा रहे हैं नाल बनवाने के लिए, पर उससे पहले ना मेरे को यार ये स्कूटी देनी है उसको जिसने मम्मी की धोती धोई है। जब तक नाल बनेगी तब तक वो स्कूटी लेके चला जाएगा, और हमारा भी काम हो जाएगा, उसका भी काम हो जाएगा, क्योंकि वो ना दुकान बंद करके अपने गांव में आ गया है। बट अगर यार मम्मी की धोती ना गई ना, तो भाई मम्मी हमें धो देगी यार। करे काम शुरू, तेरे वाले काम शुरू कर रहा है, एक बार देगी पाइप जो है इसे तो मोड़ते हैं हम कहीं, और इसके तला लगा देख पत्ती नुकी नहीं। कल ना अपने हिसाब से पूरी मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं हमारी नाल को, जब ये हो जाएगी एक बार फिर देगी। मुझे ना भाई पीछे बैठना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लाइट सी लगे ना वेल्डिंग करे तब आंख में बहुत जोर पड़े। गाइस अभी हम एक चीज भूल गए हैं, वार्सल लानी, तो वार्सल लेने चलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ना वार्सल भी लगेगी ताकि छींट वगैरह ना लगे। 4 सूत की 3, 5 सूत की 2, 6 सूत की 1, इसने तो अभी अपना जुगाड़ कर लिया है देखने का। गाइस अभी अंकल ने मेरे को भी दे दिया है चश्मा, अब ना आंखों पे बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ेगा। अभी एक नाल तो बिल्कुल बन के कंप्लीट हो गई है, नंबर आने वाला है मेरी वाली नाल का, उसका इंतजार है अभी। मेरे वाली नाल जो बनने वाली ना भाई, वो डबल डबल नाल की बनने वाली है। नाल के ऊपर नाल चढ़ गया, और इसका मतलब ये हो गया कि डबल मजबूती हो गई है, और दोनों तरफ वेल्ड लग गया, अब कटिंग हो गए तब देखना कैसी लगेगी नाल। नीचे वाला तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया ये देख लो, और अभी ऊपर बनने वाला है हत्ता, तो हत्ता यहाँ से कटेगा। अब लगने वाली है इसके ऊपर वार्सल, तो पहले ना वार्सल को चेक करेंगे कि ये इस सरिया में काम कर देगी क्या, क्योंकि इस सरिया में ना बिल्कुल स्मूथली चलनी चाहिए ये।
माय गॉड गाइस, इस भाई ने ना नाली में डाल दिया ये ताकि ठंडा हो जाए थोड़ा सा। अब इसके ऊपर साफ पानी भी डाल दिया। आपके पास अगर जुगाड़ भी नहीं हुआ ना पाइप वगैरह का, तो डायरेक्ट दुकान पे आ जाओ और डायरेक्ट बनी बनाई ले जाओ। हमारी नाल बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो ये देख लो, तो ये कुछ इस तरीके की बनी है और इसे बनाने में कुछ ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है, घर बताएंगे जाके। हमारी 3 नाल कंप्लीट हुई है गाइस। मेरे को नहीं लगता आज हम टेस्ट कर पाएंगे, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। एक बार कोशिश कर सकते हैं घर जाके, बट अगर नहीं हो पाएगा ना कल पक्कम पक्का कर देंगे। ऐसी बनी नाल गाइस, अगर पुलिस मिलेगी ना भाई वाट लग जाएगी अपनी। अरे काम को ले लें अंदर को, हो गया अपना काम, अब रोड पे आ गए हैं गाइस। गाइस अभी हम बिल्कुल हॉन्टेड रास्ते से जा रहे हैं अपने घर पे, क्योंकि आगे हो सकता है हमारे बस स्टैंड पे पुलिस वाले मिल जाए। तो ये बिल्कुल सुनसान रास्ता है भाई, रात के टाइम तो यहाँ आना खतरों से खाली नहीं था, बट हम तो सामान ही सारे खतरों वाले ले रहे हैं, तो जाना तो पड़ेगा यहाँ कोई। यार यहाँ हमारी स्कूटी धोखा ना दे दे, चल थोड़े से तेज चल। ये ना बिल्कुल घना जंगल है, इधर भी ईख है इधर भी ईख है। ईख में तुम लोगों को पता ही है भाई क्या होता है, चोरी चोर डाकू सब रहते हैं। ओए भाई बीम करना है, ऊपर करना लाइट, फुल लाइट ऊपर। हाँ ये अब सामने तक चमकेगा ना। ओए रुक 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 रुक, कोई है वहाँ सामने यार। अबे देख लाइट लग रही वहाँ देख। अरे भाई हम रोड पे आ गए। पर रोड ना आया अभी भाई, कहाँ है रोड बता, कहाँ है रोड। ओए भगा दे पूरी तेज, भगा दे भगा दे। गाइज अभी पापा घर पे होंगे भाई, पापा देख के ना काम कहाँ गुस्सा होंगे, तो इसलिए ना हम इसे पहले ही जुगाड़ करके कहीं छुपाता हूँ मैं। चाचा ने तो देख लिया पहले ही। ओह माय गॉड बन गई बिल्कुल कंप्लीट, एकदम रेडी, खतरनाक खतरनाक। देख तो यार देखने में इतनी सुंदर लग रही है गाइज, तुम देखोगे ना कल दिन में दिखाऊंगा तुम्हें, ज्यादा ही मस्त लग रही है भाई। एक हाँ सुबह लीजिए, सुबह सुबह लीजिए सुबह, देखा तो दो। हाँ देख ले रोड में, बता क्या हुआ था। डर लग रहा था उस रोड पे गाइस, जब हम आए ना उस रास्ते से भाई डर लग रहा था सच में ही। कुछ ओ बे भूत ना भाई, खूफिया रास्ता है बिल्कुल खतरनाक। पिके 350 रुपए लगे कुल। मेरी आवाज सुनते ही भाई व्यू की खुशी देखो कितनी हो गई। मुझे पहले पता लग गया था, पता कैसे, पता कैसे पहले की ठंड नहीं सामने देख। अभी खाने में नमक की रोटी साथ में दूध, तो खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं। अभी खाना खा लिया है और गाइस आप लोगों को मैं अब बता देता हूँ कि आप लोग 20-30 रुपए में कैसे अपने घर पे गंधक पोटास गन बना सकते हैं। सबके घर में सबको पता होगा कि ये टंकी वाली फिटिंग का पाइप मिल जाता है, नॉर्मल बात है मिल जाएगा, और दूसरा सरिया सबको मिल जाएगा, तो फ्री का हो गया ना काम यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है आपको, आपको जाना है दुकान पे, एक टी आती है वो टी लेके आनी है, उस टी को ना नीचे ऐसे चढ़ा देना है, तो वो टी 3 मुंह की होती है, एक मुंह तो चढ़ गया 2 मुंह बचे, तो जो दूसरे वाला मुंह है ना उसको बंद करने के लिए उसी दुकान पे एक ओल्ट टाइप मिलता है, तो वो खरीद लेना है, वो 10 रुपए का आ जाएगा, वो टी आई 20 रुपए की, तो 30 रुपए हो गए लगभग। तो गाइस 30 रुपए में आप लोग अपने घर पे बना सकते हैं गंधक पोटास गन, बाकी 5 या 10 रुपए में वेल्ड लग जाएगा, तो मान लो 40 रुपए में, मान लो तो 40 रुपए में आपकी गन तैयार हो जाएगी, जिसको घर बैठे बनानी है तो वो बना सकता है। और गाइस हमारी ये जो 2 गन बन के तैयार हुई है ना, इनमें हमारा खर्चा आया है 320 रुपए का। इसका टेस्ट कल करेंगे ना, तब तुम्हें दिखाएंगे कि ये कितनी मजबूत है। हम तो अभी तक सोच रहे हैं, दुकानदार भाई भी कह रहा था बहुत मजबूत बनगी भाई तुम्हारी नाल, तो ऐसी नाल तो किसी ने बनवाई नहीं है इस पूरे इलाके में। तो गाइज अब इसका टेस्ट कल करेंगे, पूरे इलाके में नहीं बनी है ऐसी गन। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय।